ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट सोसाइटी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जितेंद्र मान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 48 घंटे तक शव फ्लैट में ही पड़ा रहा। बॉक्सर के सिर और पीठ में 4 गोलियों के निशान मिले हैं। मोबाइल ऑफ होने के कारण शुक्रवार दोपहर को जितेंद्र का चचेरा भाई फ्लैट पर जब पहुंचा तब वारदात के बारे में पता चला। कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स बरामद हुई है, एक खाली ग्लास भी बरामद हुआ है। जितेंद्र एक फिटनेस एकेडमी में जिम ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे थे। उसके फ्लैट की चाबी और मोबाइल गायब हैं। परिवार वालों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को भी देख रही है। 27 साल के जितेंद्र मान कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। पिछले 2 दिन से देवर अनट्रेसेबल बाय फैमिली, तो आज परिजनों ने आकर घर पे आके चेक किया तो जिनके पास चाबी थी उन्होंने जब खोल के देखा तो अंदर उनकी डेड बॉडी लगी हुई थी। ये मामला ऐसे फिर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और हम लोग आए। हम मान के चल रहे हैं इट्स अ गनशॉट वुंड, एक बार पीएम भी क्लियर करते हैं। कोई भी आ रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं होती कि अंदर कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ना पूछेंगे कि आपको किस फ्लैट में जाना है। कोई एंट्री नहीं होती है, ना गाड़ियों की ना किसी चीज़ की। फॉर्मेलिटी हो जाती है, कोई भी आएगा वेरियल खोल दिया जाएगा। लाइट से कोई भी नहीं जलती है, नीचे गार्ड्स बैठे रहते हैं रात को, ना गार्ड्स का पता होता कि कहाँ है, लाइटें नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कुछ पता लग पाया है कि कौन थे हत्यारे, कहाँ से आए थे और किस वजह से हत्या की? आज भी जिस तरीके से पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो फुटेज है उसको बारीकी से खंगाला जा रहा है और उसी के साथ में जो उनका मोबाइल फोन है उसको ट्रैकिंग पे लगाया गया है, उसको सर्विलांस पे लगाया गया है और उसी के साथ में फोन कॉल की जो कि उनकी डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इनकी किन किन से बात हो रही थी, आखिरी बार किससे बात हुई थी, कितनी लंबी इनकी बातचीत हो रही थी। जो उनके दोस्त हैं उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है, जो कि सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर गार्ड है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर वो आए थे 10 तारीख को, उसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखाऊं यहाँ जो कैमरा है इस कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, यहाँ पर आकर के वो रुकते हैं लिफ्ट के पास में, लेकिन यहाँ पर जो लिफ्ट है उसको आने में वक्त लगा, इसी वजह से वो जो है सीढ़ियों के सहारे अपने छठे फ्लोर पर गए हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। उनके जो दोस्त हैं वो लगातार सोसाइटी में आने की एंट्री जाने की कोशिश की एंट्री होती है, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और भी लगे होंगे, उन सबसे कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस ये जो सोसाइटी है यहाँ पर जो कि कैमरे हैं उनकी संख्या कम है, इस वजह से पुलिस को इस पूरे मामले में तफ्तीश करने में दिक्कतें आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो सोसाइटी है हमेशा से ही चर्चा में रही है, यहाँ पर कई बार झगड़े भी हो चुके हैं और इसी वजह से। और मैं आपको बताऊं कि जो कि यहाँ पर जितेंद्र है, यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कई लोग इनके पास आते थे मिलने के लिए, यहाँ पर पार्टियां होती थी, लेकिन आखिरकार जितेंद्र की हत्या किसने की है इस मामले को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा होगा और पूछताछ तो पुलिस कर ही रही है, आप बताई रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए।